नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट डॉट टीवी और मैं हूं सचिन कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के बीच एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बुंदेलखंड के किसानों और सूखे को लेकर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने बुंदेलखंड के सूखा पीड़ित किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और सूखे से निपटने के सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसान कैसे खुशहाल हो, समस्याएं बहुत है उनके सामने, गरीब के सामने, खासकर गांव में रहने वालों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान वर्ष के रूप में भी हम लोग इस वर्ष को लिए थे, आने वाले समय में और जो बारिश कम हो गई, अभी तो कुछ दिन पहले ओलावृष्टि और बारिश से भी नुकसान हुआ था बुंदेलखंड के इलाके में, अब उनके सामने सूखा की बात आ गई, तो मैं समझता हूं बहुत परेशानी के दिन हो सकते हैं। इसलिए सरकार उनके सुझाव को मानेगी और किन किन सुझावों पर कैसे अमल किया जाए, कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, उस दिशा में सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने योगेंद्र यादव के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अखिलेश यादव ने मीडिया से भी इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने की गुहार लगाई। तो हम आपसे चाहेंगे, वैसे हमारी आप बहुत मदद करते हो, इसमें भी हमारी बहुत मदद करना कि जो फंड कम हो रहा है, आखिरकार हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर पैसा कम आएगा तो सरकार का तो नुकसान होगा ही होगा, जनता का बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए, क्योंकि मेरी जो बात थी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, उस बात को मैंने सुझाव के तौर पर भी कहा है कि हमारा जो पैसा कम हो वो पैसा किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट डॉट टीवी। अगली खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फर्स्ट डॉट टीवी।